फाइनली हमने क्रीपर नेट बना ही लिया। इसे बनाने में तो काफी टाइम लगा, लेकिन अब पौधे ना यहाँ से बड़े आराम से ऊपर चले जाएंगे और अच्छे से ऊपर ग्रो कर पाएंगे। क्रीपर नेट बनाने के बाद ना हम इस बड़े से ग्रो बैग में ना खीरे के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम इसमें दो पौधे लगा रहे हैं। पौधे को लगाने के बाद ना हम पानी दे देते हैं। उसके बाद लास्ट में ना हम पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं। आपको बता दूं कि हमें पालक की कंटिन्यूअसली हार्वेस्टिंग मिल रही है, तो अब इसे सूप बनाने में यूज कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने भी लगा रखा है क्या पालक, तो कमेंट में यस लिख के बताइए।